बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ एल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इफ एल्स इफ लेटर की डिटेल्स आपको दिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मल्टीपल कंडीशंस को अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए सी लैंग्वेज आपको एक आसान तरीका फराहम करती है कि अगर आपको एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना पड़े तो वो तरीका कहलाता है इफ एल्स इफ लेटर का। तो दोस्तों, ये इसका सिंटैक्स देखिए। दोस्तों, यहाँ आप सबसे पहले इफ में कंडीशन देंगे, देन एल्स इफ में कंडीशन देंगे, और इसी तरह जितनी कंडीशंस होंगी वो आप एल्स इफ के आगे लिखते जाएंगे। जब तमाम कंडीशंस, तमाम ऑल्टरनेटिव्स का खत्म हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे, तो आखिर में आप एल्स देंगे और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवानी है वो लिख देंगे। अब दोस्तों, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये तो हो गया इसका सिंटैक्स, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग एक बात ध्यान नशीन कर लें कि यहाँ टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डन होगी। यानी इफ एल्स इफ लेटर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन तमाम ऑल्टरनेटिव्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव रन होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होती है और उस कंडीशन में पड़ी वैल्यू, उस कंडीशन में पड़ी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। और इसमें काम कैसे करेगा ये? तो दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहले ये इफ में लिखी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल एल्स पर जाता ही नहीं है। लेकिन अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ये जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो जाती है, तो अब कंट्रोल इस एल्स इफ पर आ जाएगा। अब वो इस सेकंड वाले एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल थर्ड वाले एल्स इफ पर जंप करेगा। और इस तरह करते करते अगर तमाम एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब कंट्रोल इस एल्स पर जंप करेगा, और एल्स के आगे क्योंकि इफ नहीं लगा हुआ, विच मींस कि अब कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, तो ये डायरेक्टली इस एल्स पार्ट में रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये इफ एल्स इफ लेटर काम करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनमें से एग्जीक्यूट होगी, और अगर तमाम स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं, तमाम इफ के आगे लिखी गई कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तब भी ये लास्ट वाली एल्स की स्टेटमेंट तो चलेगी ही चलेगी। अब आइए दोस्तों, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी यहाँ पर ये लिखी गई कंडीशन ट्रू होगी, तो ये इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद इस इफ एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फिर सेकंड एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसमें लिखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद इफ एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये थर्ड कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद इस इफ एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आखिरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो अब ये जंप करेगा इस एल्स पार्ट पर, और इस एल्स पार्ट के आगे, याद रखिए, एल्स के आगे आप कोई कंडीशन नहीं दे सकते जब तक कि उस एल्स के बाद आप इफ ना लिख दें, क्योंकि यहाँ पर एल्स हमने सिंपल लिखा है, तो एल्स के आगे इफ नहीं लिखा तो हम कोई कंडीशन भी नहीं दे सकते। तो अब ये डायरेक्टली बिना इफ चेक किए डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद इफ एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों, ये इफ एल्स इफ लेटर काम करता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोग इस इफ एल्स इफ लेटर को एक नई चीज समझते हैं, जबकि अगर आप इस पर गौर करें तो ये बिल्कुल नेस्टेड इफ एल्स की तरह काम करता है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक नंबर इनपुट दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा इनपुट करदा नंबर क्या कोई पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, बल्कि ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, या फिर जीरो है। तो यहाँ हमने पहली कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो प्रिंट कर दे कि नंबर इज पॉजिटिव। इसके बाद हमने एल्स लिखा है, और एल्स के अंदर ही हमने दोबारा से इफ एल्स लिखा है,
और इफ में हमने कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो प्रिंट कर दे कि नंबर इज नेगेटिव। और इस इफ के ही एल्स में हमने कोई कंडीशन नहीं दी बल्कि डायरेक्टली लिख दिया कि नंबर इज 0। दोस्तों क्योंकि यहाँ एल्स के ही पार्ट में हमने मजीद इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी है, इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पहले इफ की कंडीशन चेक होगी कि आया जो इनपुट करदा नंबर है वो 0 से बड़ा है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव और इस एल्स पार्ट पर जंप ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इस प्रिंट एफ को प्रिंट नहीं करेगा, यानी इस इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा बल्कि इस एल्स पार्ट पर जंप करेगा। अब जैसे ये इस एल्स पार्ट पर आएगा तो इसको ये कंडीशन नजर आएगी कि क्या नंबर छोटा है 0 से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव और एल्स पार्ट पर जंप ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब ये इस एल्स पार्ट पर आएगा और अब क्योंकि नंबर ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है तो इसीलिए अब एल्स में भी हमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि नंबर 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अब ये इस एल्स की स्टेटमेंट को रन कर देगा कि नंबर इज 0। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस प्रोग्राम को देखें तो ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको आप आसान तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि अगर इफ या एल्स के ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं। और अगर आप यहाँ गौर करें तो इस इफ के अंदर भी सिंगल स्टेटमेंट है, इस तरीके से इस एल्स के अंदर जो इफ एल्स है उन दोनों के अंदर भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम इसके कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। किन दोस्तों अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद हो तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत होती है और सिंगल स्टेटमेंट की वजह से आपका कंपाइलर यही समझता है कि जो स्टेटमेंट इस इफ के बाद लिखी है या जो स्टेटमेंट इस एल्स के बाद लिखी है वही इस इफ के ब्लॉक की स्टेटमेंट है, तो इसीलिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों हमने यहाँ से इन कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। अब दोस्तों यहाँ एक और बात काबिले और है कि ये जो एल्स पार्ट में इफ लिखा हुआ है, यानी ये जो एल्स पार्ट के अंदर इफ एल्स लिखा हुआ है, ये भी पूरा एक ही स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे इफ एल्स को के एग्जीक्यूट होने पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, यानी आपने ये देखा है ना कि जब इफ एल्स रन होता है तो आपको रिजल्ट के तौर पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का रिजल्ट मिलता है, तो इसीलिए इस पूरे इफ एल्स को, क्योंकि इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट ही मौजूद है, तो इसको एक पूरी स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है। इसीलिए क्योंकि ये इफ एल्स एक स्टेटमेंट है तो हम इस एल्स के कर्ली ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर देंगे, यानी ये जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं इनको भी आप रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद अब डियर फ्रेंड्स आप इस एल्स और इफ के दरमियान का स्पेस रिमूव कर दें इस तरीके से। तो अगर अब आप इस पर गौर करें तो ये आपको नेस्टेड के बजाय इफ एल्स ब्लैडर की तरह दिख रहा है, यानी ये है तो नेस्टेड इफ एल्स ही, लेकिन नेस्टेड क्योंकि दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है इसीलिए हमने इसकी जरा सी अरेंजमेंट्स करके इसको इफ एल्स ब्लैडर में तब्दील कर दिया। अब दोस्तों आइए इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि एंटर एन नंबर, तो हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर एंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रिजल्ट शो किया है नंबर इज पॉजिटिव। इस तरीके से हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि इसने प्रिंट कर दिया है नंबर इज नेगेटिव। और अगर हम कोई नेगेटिव और पॉजिटिव के बजाय 0 को एंटर करते हैं तो ये प्रिंट कर देगा कि नंबर इज 0, विच मीन्स कि प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स में लिखा हो गया हो या फिर इफ एल्स ब्लैडर में लिखा गया हो, ये रिजल्ट आपको सेम ही प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कब आप नेस्टेड इफ एल्स को यूज करें और कब आप नेस्टेड इफ एल्स को इफ एल्स ब्लैडर बना सकते हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी नेस्टेड इफ एल्स में अगर आपको हर बार एल्स की बॉडी में इफ एल्स लिखना पड़े, जैसे हमने यहाँ इस प्रोग्राम में भी देखा था, तो फिर आप उस नेस्टेड इफ एल्स को इफ एल्स ब्लैडर की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हो तो उनमें से अगर आपको कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना हो तब भी आप इफ एल्स इफ ब्लैडर को यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये था इफ एल्स इफ ब्लैडर। अगले लेक्चर में हम स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपको फराहम करेंगे, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।